लाइट ही ना, लाइट ही लाइट है, लाइट ही लाइट है। हम दिल्ली में नहीं रहते हैं भैया, लंदन में रहते हैं, इसीलिए ले रहे हैं यहाँ का। Hey guys, welcome back to my channel. I am my Sharubik and you are following. So आज हम दो के बदले तीन हैं और आज हम फिर से जा रहे हैं चांदनी चौक, बिकॉज जो वो है ना द ड्रामेबाज, शी वॉन्ट्स टू बाय सम क्लोथ्स एंड मैडम का ऑफिस रहता है मंडे टू फ्राइडे, तो मैडम को आज टाइम मिला है फाइनली। प्लस टाइम आज ही नहीं जा रहे हैं तो बस आज हम जा रहे हैं चांदनी चौक फिर से। एंड आज तो टेम्परेचर इज लाइक 44 डिग्रीज है आज बर्निंग, बट हाँ आई थिंक इट 4 डिग्रीज माई 5th डे। एंड आज मैंने मुँह पे ये स्कार्फ लगाया विच इज एक्चुअली सेविंग मी फ्रॉम द हीट, अदरवाइज इट इज लाइक वेन गली में वापस आ गए हैं जहाँ से रोज रोज गुजरते हैं सुबह और शाम, मतलब ये तो याद हो गई ये गली मुझे ऐसा लग रहा है। और ये कुलदीप भैया जो लेके जाते हैं शॉप पे, आज भी मैंने इन्हीं को फ़ोन किया है, भैया मैं आपको ही फ़ोन कर रही हूँ, जितनी बार आ रही हो तो अच्छे दुकान पे लेके जाओ, समझ रहे हो। रास्ते में भले कितना कोई बोलता है चलो मैडम, हम लोग बोलते नहीं हमको नहीं जाना। कम फास्ट चक्कर आ गया एक दिन धूप में यार, हम 5 दिन से जो घूम रहे हैं। हाँ दीदी हमारी बैंड की बैंड बच चुकी है। सो आई हैव नाउ कम टू तिवारी जी कॉर्नर, ये जो मशहूर है पनीर वाले छोले भटूरे के लिए विच इज़ लाइक एट द कॉर्नर। अब जब चांदनी चौक के जो मेन रोड से इफ यू एंटर पराठे वाली गली एकदम कॉर्नर पे जो पहली शॉप है लेफ्ट राइट में, एंड लेफ्ट में ये कुंवर जीज़ है कन्फेक्शनरीज। सो ये तिवारी जी के छोले भटूरे बहुत अमेजिंग होते हैं, प्लस इनके पास पालक पनीर की सब्ज़ी, छोले प्लेट और छोले चावल सब कुछ मिलते हैं। भीड़ काफ़ी रहती है सो इस बार खाती हूँ, मतलब मैं फर्स्ट डे जब आई थी शॉमे के साथ तब मैंने शॉप पे खाई थी, अब मैं यहाँ पे खाऊँगी। तो अभी तो मुझे एक्चुअली भीड़ कम लग रही है क्योंकि 3 बज चुके हैं और वो लंच टाइम चला गया है। ये छोले भटूरे इसके अंदर पनीर की स्टफिंग होती है, ये तो हम बहुत बार खा चुके हैं, ऑल्सो वो देंगे प्याज, एंड दिस इज छोले चावल। कितना खाओगी जीनी? बहुत सारा। चांदनी चौक में सिर्फ खाने आते हैं, तो मुझे समझ नहीं। और क्या खाओगी? जलेबी वाला, जलेबी रबड़ी, असलम पराठा, पराठे वाली गली में स्टफ पराठा, चिकन तंदूरी, अगर चिकन तंदूरी ले जाओ मस्जिद जाना पड़ेगा। 5 दिन में 3rd टाइम मैं छोले भटूरे खा रही हूँ, हद हो गया मतलब। तो आज ये आई है चांदनी चौक, तो शी वॉन्ट्स टू ईट एवरी थिंग। छोले भटूरे हो गए जो फेमस तिवारी जी छोले भटूरे हैं, छोले चावल हो गए छोले पनीर चावल, नाउ शी वॉन्ट्स टू हैव नटराज के दही भल्ले, तो अब इसको नटराज के दही भल्ले खिलाते हैं। जाओ लो जाओ। तो नटराज के दही भल्ले इज वेरी फेमस हियर इन चांदनी चौक। हम दिल्ली में नहीं रहते हैं भैया, लंदन में रहते हैं, इसीलिए ले रहे हैं यहाँ का।
खा चुकी है चटोरी, मेरे फोटो लेने के पहले ही खा चुकी है ये चटोरी कहेगी। वेज इसके दही भल्ले एक्चुअली मीठे होते हैं तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, आई थिंक ये इसको पसंद है। कितनी बार खाई हो? आई डोंट आस्क मी दिस थिंग्स यार, आई कैन ओनली ईट, आई कैन नॉट रिमेम्बर हाउ मेनी टाइम्स आर। तेज बोलो, तेज बोलो। मुझे सिर्फ खाने से मतलब है, मैं गिनती नहीं हूँ कि मैंने कितनी दफा खाया। ओके ठीक है, खाइए मैडम खाइए। थैंक यू। कितना खाओगी जीनी? हम लोग इतना नहीं खाते ना, इतना पैसे खर्च करते हैं खाने में, सिर्फ पैसे खर्च कर रहे हैं कपड़ों पे, और तुम सिर्फ खाने पे है ना। कल कुछ मोमोज खाए हम लोग, डेढ़ प्लेट सिंगल पर्सन। आई एम हैविंग दिस, माय गॉड। रोज ही मैं चांदनी चौक से पिछले 3-4 दिनों से शाम को जा रही हूँ, एंड लुक एट द गुरुद्वारा, कितना प्रिटी लग रहा है रात को, जस्ट लव इट। सो फॉर दिस व्लॉग माई टोटल प्लान हैज़ चेंज्ड। आई वॉज थिंकिंग कि मैं आपको एक चांदनी चौक के लहंगे शॉप का पूरा लहंगा का कलेक्शन दिखाऊँ, लाइक द रेंज एंड ऑल दैट, हाउ इट लुक्स एंड ब्राइडल एंड पार्टी, मैंने उसको कॉन्टेंट शूट किया। बट नाउ आफ्टर स्पेंडिंग द होल डे विद दिस गर्ल, मुझे ऐसा लगता है कि उसको अलग रखना चाहिए, क्योंकि इसके जो चटोरे पेट है ना, उसको दिखाना चाहिए। मतलब सुबह से इसके सारे खाने का मैंने लिया, और अभी इसको खिलाने के लिए हम जामा मस्जिद जा रहे हैं। You have to. कितना खाओगी वहाँ पे? बस लास्ट कोर्स, तंदूरी चिकन और व्हाट्स फेमस, बटर तंदूरी चिकन कबाब, और कबाब एकदम। इसमें और मेरे भाई में कोई डिफरेंस नहीं है, खाने के लिए दोनों एक जैसे हैं। ओह गॉड, वो भी जब आया था लास्ट टाइम अक्टूबर में शादी की शॉपिंग करने, मैं दीदी थे, रोने लगा कि मेरे को चिकन खिलाओ। इसका चेहरा देखो, कितना खाओगी? और फालूदा रबड़ी लिया था, अकेले ही खा लिया, किसी को नहीं दिया। गायब, कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। सो अब जो आप व्लॉग देखोगे उसमें पक्का यही होगा, मतलब सिर्फ इसका फूड, क्या बोलते हैं, फूड कंटेंट होगा सिर्फ इसका, हमारा नहीं। चांदनी चौक का फेमस हाँ, और इसको हमने चांदनी चौक के फेमस जगह पे खिलाया है। तिवारी जी छोले भटूरे हो गए, नटराज दही भल्ले हो गए, और कहाँ फालूदा, उसका फालूदा का भी लिया है, शॉप का नाम मुझे नहीं पता, वो नई सड़क वाली रोड पे है। देन फोर्थ प्लेस पे हम जा रहे हैं, वो है जामा मस्जिद पे, जो असलम है, दैट इज़ फेमस फॉर बटर तंदूरी चिकन, वो वहीं मिलता है पूरे दिल्ली में और जामा मस्जिद में। मेरे किसी फ्रेंड ने खिलाया था, आई रियली लव्ड इट। दीदी और मैं तो खा चुके हैं अक्टूबर में, मैंने इनको खिलाया है वहाँ पे, अब इसकी बारी है। तो मैंने सोचा ये चार जगह इसे चांदनी चौक के फेमस जगह पे खाया है ना, तो दिस व्लॉग विल बी ऑल अबाउट, हाँ, एक दिन में पांच बार खाए। सो दिस व्लॉग विल बी ऑल अबाउट जीनी सियोना ईटिंग इन फेमस प्लेसेस इन चांदनी चौक एंड जामा मस्जिद। और अगर आप देख रहे हो ये, अगर आपका भी मन करे और आप वो चांदनी चौक में हो, तो प्लीज़ आप इसने जहाँ जहाँ खाए ना, प्लीज़ आप वहाँ वहाँ तो ज़रूर खाना, मतलब यू कैनॉट मिस आउट ऑन दैट। जामा मस्जिद है, आपको पता है ना, वो रिक्शा वाले सामान लेके मैं जा रही थी, यही था वो पूरा जाम में। ओ अच्छा, ये तो जामा मस्जिद है, प्लीज़ जामा मस्जिद, ये गेट नंबर 1 है, इसके ऑपोजिट जो लेन है वहाँ पे आपको मतलब करीम्स जो है, फेमस दिल्ली का जामा मस्जिद का, यहाँ पे करीम्स भी है, यहाँ पे असलम भी है, जिसका बटर चिकन तंदूरी चिकन खाने हम आए हैं। बट लाइक जामा मस्जिद इज़ वेरी क्राउडेड, मतलब देख लो भीड़ यहाँ की। चलो असलम चलते हैं, जामा मस्जिद में
जाती अगर मैं जामा मस्जिद में आती हूँ तो। इतना ज़्यादा क्राउडेड है ना ये मैन। सो दिस इज़ द फेमस लेन ऑफ जामा मस्जिद जहाँ पे आपको करीम्स भी मिलेगा, जहाँ पे आपको असलम भी मिलेगा, और ये अल जवाहर भी है यहाँ पे। करीम्स तो अंदर था पहले, इसके करीम्स तो इधर था पहले। बोल रही हूँ सुबह निकलते हैं हम और शाम होते होते चेहरे की बॉडी की ये हालत होती है, पूरे पसीने में लाइक वी आर स्वेटिंग स्वेटिंग स्वेटिंग, और इतनी धूल तो पूरे एकदम चेहरे की बैंड ही बजा देता है। चलो भाई की लेना, भाई इससे पूरा लेना, बढ़िया चलो भाई। लाइट ही हाँ, लाइट डाले इसको। ओ मैन, तुमने नॉर्मल पागल हो गए। नहीं आया आप पे। ओ। भाई गर्मी हो रही है यार, रेनबो। गर्मी हो रही है। रेनबो रेनबो भाई रेनबो। आ रहे हैं। ओ। मैं बंद। लाइट ही है ना? लाइट ही लाइट है, लाइट ही लाइट है। वो लाइट से ये दिख रहा है अभी। मैं रहने यार। से दोनों साइड में सिर्फ नॉनवेज की दुकान है एंड यू विल गेट वैरायटी ऑफ स्टफ, चिकन, सीख कबाब, बिरयानी, फिर कबाब्स और तंदूरी चिकन, चाप, मतलब सब कुछ मिलेगा। पूरी गली ही खाने की, मतलब और भी सामान है बट खाना इज़ लाइक प्रायोरिटी। यहाँ पे आके मैंने समोसा नहीं खाया है, बहुत तल रहा है, अभी तो नहीं उठाएगा। मेरा ना वो वादा वाला शरबत पीने का मन कर रहा है। हाँ, नफरत शरबत है, नफरत। सो फाइनली वी हैव रीच असलम चिकन। आइए मैडम, आइए, शरबत है मोहब्बत पीजिए मैडम, आइए। दिल्ली का फेमस वहाँ शरबत है, नफरत क्यों लिखा था? नफरत मोहब्बत यही खाने आए हैं हम, तंदूरी चिकन एंड बटर के ऐसे बनाते हैं। भैया वो क्या है, वो तंदूरी है, वो भी सेम ही है, वो कट पीस पे डालते हो ना, और ये बटर है क्या? हाँ ये बटर जी, नहीं यही खाना है, बाद में वो बनाना उससे। जिन्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे आके और वेट करके, मिनिमम हाफ एन आवर की वेट है, बट आर यू एक्साइटेड टू ईट दैट?
फेमस असलम बटर चिकन तंदूरी चिकन द प्रोसेस विच आई शोड यू एट द एंट्रेंस. ये प्याज देते हैं साथ में एंड रुमाली रोटी. खाओ. ये पूरा इसका ये मेरा और दीदी का ये पूरा खाई है. We have lots of guests over here. We late, right? बोलती बंद हो गई मेरी. इतना बटर देख के बट खाना तो तुमको था. हाउ आर यू लाइकिंग इट? डिड यू लाइक इट? यस इट्स गुड ऑफ कोर्स बट एनीवेज यार बटर बटर अचली डिलीशियस अमूल. We are removing camera na kusede. Who is stopping? प्लेट ले आप प्लेट रोटी को Yeah.
शीरमल खाओ, शाही शीरमल, शाही शीरमल, ईट इट। कैसा है? काइंड ऑफ यू नो बेकरी प्रोडक्ट, थोड़ा मीठा। लेट मी ट्राई। शाही शीरमल बोलते हैं, यह है मेरठ का मशहूर शाही शीरमल। केक जैसा स्टफ, केक वाला फ्लेवर आ रहा है। मुझे बचपन में केक खाते थे ना, अच्छा है एक्चुअली बहुत। केक काइंड फॉर्म जो केक घर पे बनाते क्रीम जैसा वैसा, हाँ, वो मेड केक ऊपर से ड्राई फ्रूट का इसका भी, हाँ लेकिन बहुत अच्छा है। फ्राइड है, फ्राइड है ये, हाँ शाही शीरमल। शाही शीरमल है मेरठ का, 10-15 दिन विदाउट फ्रिज खराब नहीं होता है। फ्रिज में रखोगे तो 2 मंथ्स की गारंटी है। फ्रिज में रखने के बाद 2 मंथ्स की गारंटी है। और ये फ्राइड होता है? नहीं, नो नो फ्राइड तंदूर में होता है। ये ओनली देसी घी अंडर पाइन। ओ यस, तंदूर में बेक होता है ये? बेक, ओह नाइस। और ये हमारे यहां की फ्राइड है, नहीं नहीं फ्राइड नहीं, वो घी लगता है ना, घी लगा दे। ये ऐसा होता है, देन यू कट इट। ये क्या है भैया? शीरकुर्मा? क्या है ये? शाही टुकड़ा है। ओ हाँ, शाही टुकड़ा। और ये ऊपर क्या डाला है? मीठा है, काजू बादाम। और वो गुलकंद? ये काजू बादाम, काजू बादाम। पेठा है, पेठा, पेठा। और पूरा घी है ना वो? हाँ, देसी वाला। शाही टुकड़ा, शाही टुकड़ा, मतलब हर जगह चिकन की शॉप, नॉनवेज की शॉप, शाही टुकड़े एज अ डेजर्ट, देन शीरमल एंड मोहब्बत, क्या मोहब्बत का शरबत और एक नफरत का शरबत है जिसमें वो एप्पल डालते हैं। ये है जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 और हम गए थे यहाँ इस लेन में जहाँ पे खाने वाली पूरी दुकान है। Oh my god, we are so scared. Please like, comment, share, subscribe and I will see you guys tomorrow.